शनिवार को मुजफ्फरनगर के जानसठ थाने पर क्षेत्र के गांव बसायच निवासी महिला व पुरुषों ने मारपीट के एक मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले लोग पुलिस पर आरोपी पक्ष से साज खाकर दोषियों को बचाने का आरोप लगा रहे थे। काफी देर की मशक्कत के बाद थाना प्रभारी हंगामा करने वाले लोगों को समझाने में कामयाब रहे तथा आरोपियों पर कार्यवाही के आश्वासन से संतुष्ट होकर सभी लोग वापस चले गए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पूर्व जानसठ क्षेत्र के गांव बसायच में गांव के कुछ दबंगों ने दलित युवक आकाश को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर तीन युवकों देसी, विक्की व देवा पर मुकदमा दर्ज करते हुए विक्की व एक अन्य युवक को गिरफ्तार भी कर लिया था। शनिवार को इसी प्रकरण को लेकर गांव बसायच निवासी दर्जनों महिला व पुरुष भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ जानसठ थाने पहुंचे तथा इस मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही की मांग को लेकर थाने में हंगामा करने लगे। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि पुलिस ने आरोपियों से साज खाकर दोषियों को खुले छोड़ रखा है तथा गिरफ्तार किए गए दो युवकों में से भी एक युवक को थाने से छोड़ दिया गया है, जिस कारण आरोपी पक्ष के हौसले बुलंद हैं तथा वह आए दिन पीड़ित पक्ष के घर पर गाली गलौज कर रहे हैं, जिस कारण पीड़ित पक्ष के लोगों का घर से निकलना भी दुर्भर हो गया है। काफी देर तक चले इस हंगामे के बीच थाना प्रभारी द्वारा हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन हंगामा कर रहे लोग कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच हंगामे के चलते पीड़ित युवक आकाश की माता की तबीयत भी खराब हो गई। अंत में थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर थाने से रवाना करने के बाद ही हंगामा कर रही भीड़ शांत हो सकी तथा कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए।